जो वेतन समिति की संस्तुतियां थी उसको माननीय वो वेतन समिति की संस्तुतियों को मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता ने उसका परीक्षण करके संस्तुति प्रदान की और उसमें मुख्य विषय यह था कि अभी तक जो संविदा कर्मी है जो विज्ञापन के आधार के ऊपर जिनकी नियुक्ति हुई पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके उन लोगों को अभी छठे वेतन आयोग का लाभ मिल रहा था, अब वर्तमान में उनको सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। सभी जो जिनकी नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुन लीजिए पूरी बात, जितने भी संविदा कर्मी हैं जिनकी नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर हुई, जो पूरी अर्हता रखते हैं, पूरी चयन प्रक्रिया के अनुसार जिनकी नियुक्ति हुई, उनको सातवें वेतन आयोग का भी लाभ दिया जा रहा है। जो वेतन समिति ने जो संस्तुति की थी उसी के आधार के ऊपर मुख्य सचिव ने मुख्य सचिव की समिति ने संस्तुति की, इसपे राज्य सरकार के ऊपर लगभग 29 करोड़ रुपए का व्यवहार आएगा। लेकिन जो संविदा कर्मी इस प्रकार से नियुक्त हुए हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा।